आप देख सकते हैं वेल्डिंग क्रेक हुआ है, अभी जो है हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। ऊपर जो है हम लोग कपड़ा गीला कपड़ा करके लपेट रखे हैं, ऊपर का सील जो है नहीं जाएगा। देखिए पेंट है, पेंट के ऊपर से जो है करंट उसको नहीं मिल रहा, इसलिए वेल्डिंग लेट से पकड़ेगा।
अपना मशीन में बहुत सिस्टम दिए सर। वेल्डिंग करते समय इंजन से निकलना जरूरी है।
बैटरी कनेक्शन रेडी कीजिए सर। सीधा कीजिए ठीक है ना, हटा लीजिए तो वो गिर जाएगा, हॉल में गिर जाएगा। हाँ हाँ और बस 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 आपका अभी दोनों तरफ फ्री दादा। इसको तो हम लोग सेट कर पाएंगे ना। हाँ हाँ थोड़ा सा हाथों में लेके आइए ना, आगे बाएं खोलिए, नीचे से दीजिए एक बार, पीछे से दीजिए हो जाएगी। उतना फ्री ना रहता होगा, उधर इधर करने के बाद निकलता है, उधर करने के बाद ही निकलता है। अरे दोनों फ्री घुस जाएगा, रुकिए ना, कर देंगे ना, दोनों फ्री ना घुस जाएगा। चला गया अंदर, थोड़ा बाहर आ गया हल्का। मिस्त्री जी कीजिए टावरिंग कीजिए उस पर, हाँ ऐसे कीजिए। ना ना वो रहता है बूम का है, बूम है बूम, थोड़ा हथौड़ी छोटा हथौड़ी दो ना। तो आगे पीछे कराओ, चलने के समय उधर ही होता, उतना लोड में नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं, तो घुस गए ना, तो वेल्डिंग मारो बोल, अभी निकलने के समय फ्री होना चाहिए ना। फिर
गिरा ठीक है। हाँ जब वेल्डिंग मारते समय ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर लगा हुआ है सिलेंडर की तरफ जो है रट टच नहीं होना है। ये बूम सिलेंडर है, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। और जो वेल्डिंग का छीटा गिर रहा है वो भी ध्यान रखना है। फायर सिलेंडर हम लोग रख रखे हैं, वेल्डिंग करते समय वो सब रखना बहुत ज़रूरी है।